नमस्कार दोस्तों, मैं निशान चतुर्वेदी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। कल एक बार फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरा होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन चलिए इसी बीच में हम राजनीतिक के बुद्धिजीवियों से हम बात करेंगे, क्या उनके मन में है, क्या वो सोचते हैं, क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कि एक नए नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, ऐसे चेहरे देखने को मिल सकते हैं जो मंत्रिमंडल में कभी शामिल नहीं हुए। पाऊजी ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कौन होगा मंत्रिमंडल है? इसमें अमित शाह जो है गृह मंत्री होंगे और आपके राजनाथ सिंह जो है कृषि मंत्री, लाल खान चंदौली के वो कृषि मंत्री होंगे। अमित शाह अगर होगा तो वही जो है 370 धारा 35 से हटाएगा और वही राम मंदिर बनाएगा तुरंत, और जितने विरोधी हैं उस सब पर इनकम टैक्स और CBI लगा करके जितना अत्याचार किए हैं 100 बरस तक, उन लोगों को राष्ट्रगान में अंदर करेगा जो है। जेटली ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया है, बहुत अब सुषमा स्वराज भी लगभग कह चुकी हैं कि अब हम मंत्रिमंडल में पूरी तरीके से शामिल नहीं होंगे। सुषमा स्वराज जो है क्योंकि वह अस्वस्थ हैं, किडनी दूसरे ने उनको डोनेट किया है, इस कारण जो है वह अस्वस्थता के कारण नहीं बहुत से जो है, लेकिन इसमें जो है अमित शाह जो है मुख्यमंत्री गृह मंत्री होगा भारत का, और वही जो है गृह मंत्री योग्य है पूरे भारत में। अमित शाह जब गृह मंत्री बन जा रहे हैं तो अध्यक्ष कौन है भाजपा का, राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हम समझते हैं कि दक्षिण भारत से या फिर उत्तर भारत से कोई कौन होगा? जेपी नड्डा होंगे और जो कल निर्णय होगा उनका पार्लियामेंट निर्णय करेगा। क्या लगता है सर नए मंत्रिमंडल में चेहरे कौन हो सकते हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए तो नरेंद्र मोदी का नाम फिक्स है, वही शपथ लेंगे, लेकिन बाकी चेहरों के आधार पर कौन वित्त मंत्री, क्या एक बार फिर रेलवे मिनिस्टर के तौर पर पीयूष गोयल जाएंगे? अब ये अंदाज से बताना सब सही नहीं होगा। मोदी जी का निर्णय अमिट है और उन्हीं का फाइनल होगा, वही अब कल पता चलेगा। अध्यक्ष के लिए अभी आप नाम ले रहे थे जेपी नड्डा, अब कयास लगाया जा रहा है, वास्तविकता क्या होगी वो तो कल बाद में पता चलेगा। बहुत से चेहरों ने मना, जैसे बहुत से बड़े बड़े दिग्गजों ने भी मना कर दिया, जैसे अरुण जेटली ने भी मना किया है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। मंत्री अमित शाह जी। अच्छा, और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने तो विदेश मंत्री तो दे दिया उनको, अच्छा रेलवे मिनिस्टर कौन हो सकता है? पीयूष गोयल। राष्ट्रीय अध्यक्ष का अब कौन एक चेहरा होगा भाजपा का, क्योंकि जब अरुण जेटली को हो जाना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरुण जेटली जी ने तो मना कर दिया अब एक तरीके से राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर सक्रियता, अरुण जेटली जी को ही बनना चाहिए। अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो गृह मंत्री क्यों आप चाह रहे हैं कि नहीं अमित शाह जी ही बने? अमित शाह जी अगर गृह मंत्री बनेंगे तो देश की स्थिति जो अभी बदतर है वो सुधर जाएगी और हम आतंकवाद से वंचित हो जाएंगे। अच्छा, यानी वो एक तगड़ा मुकाबला करने वाले हैं, क्यों समझ जो है वो गृह मंत्री थे ना वहाँ गुजरात सरकार में जी, तो यहाँ भी उनको गृह मंत्री होने से जो है स्थिति देश का सुधरेगा। चलिए देखिए, बहुत बड़े बड़े चेहरे भी हो सकते हैं शामिल, नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। बाबूजी आप बताइए क्या लग रहा है आपको, एक नया चेहरा कौन आ रहा है मंत्रिमंडल में कल, क्या विदेश मंत्री कौन? विदेश मंत्री तो भाई वीके सिंह, नहीं वीके सिंह में भी हो सकते हैं। अच्छा। राजनाथ सिंह को ले जाएंगे उधर सुरक्षा में। राजनाथ सिंह में तो आप लोगों की चर्चा के दौरान पता चल रहा है कि गृह मंत्री जो है कि अमित शाह जी को, इनको जो है रक्षा मंत्री बना देंगे, अच्छा डिफेंस मिनिस्ट्री इनको दे रहे हैं, यही सोच रहे हैं। आपको क्या लग रहा है रक्षा मंत्रालय किसको मिल रहा है? रक्षा मंत्रालय जो है लोकसभा स्पीकर के लिए सीतारमण का प्रस्ताव है, ऐसा कुछ लग रहा है। अच्छा, स्मृति ईरानी को भी एक बड़ा मंत्रालय मिल सकता है, जिस तरीके से विदेश मंत्रालय दे रहे स्मृति ईरानी को, हाँ मिल गया। विदेश मंत्रालय का तो ये मतलब है कि काफी एक तरीके से अनुभव हो बाहर के भी विदेश दौरों का, कि दूसरे देशों से अच्छा संबंध बने। चलिए देखते हैं, और क्या लग रहा है आपको सर विदेश मंत्रालय? विदेश में बीजेपी के अंदर तो एक से एक दिग्गज पड़े हुए हैं, अब किसको कयास लगाना बहुत मुश्किल, किसको क्या मिलेगा, काबिल को कमी नहीं है इस पार्टी के देश में, एक से एक पढ़े लिखे और एक से एक अनुभव वाले लोग। अमित शाह को गृह मंत्रालय मिल रहा है क्योंकि इसकी सुगाहट है, इसलिए कि उनके अंदर काम क्षमता बहुत ज़्यादा है, सोच विचार के काम करते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से काम करेंगे वो।